सर्विसेज के लिए जो ना एक बड़ा मैटर रहता है कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, बड़ा एक टेंशन रहता है होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो क्या आप भी फेस से गुजर रहे थे? सर बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि जर्नी ही इतनी लंबी होती है। आप कॉलेज टाइम में थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं कि अभी कॉलेज है फिर देख लेंगे कॉलेज के बाद क्या होगा। तो कॉलेज के बाद जैसे ही कॉलेज खत्म होता है नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है दिमाग में कि अब क्या कॉलेज के बाद। तो मैंने तो जैसे जिस तरह से मैंने बताया कि मैंने एम बना रखा था तो कि सिविल सर्विसेज का पेपर देना है, तो मैंने वही किया। अपना कॉलेज के खत्म होने के थोड़ा ब्रेक लेके अपना पढ़ाई करना शुरू किया, गाइडेंस करी, सिलेबस तैयार करा, क्या पढ़ना है, मटेरियल, तो ये सारी एक्सरसाइज करने में थोड़ा टाइम निकलने के बाद जब रूटीन में हम पढ़ने में आ जाते हैं तो फिर ये बातें आती हैं कि अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये पार्ट ऑफ साइकिल है सर, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सर फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू कीप अस मोटिवेटेड। अपार्ट फ्रॉम फैमिली उसके बाद क्लोज फ्रेंड्स या फिर जो फ्रेंड्स हैं वो सारे हमारे एक तरीके से एक मोटिवेटर का ही काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पीयर्स हैं यूपीएससी प्रेपरेशन में जो हमें लोग मिलते हैं, दे कैन बी ऑफ बोथ वेज, दे कैन बी ऑफ नेगेटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव होते हैं तो एक तरीके से वाइब होती है कि हमने पॉजिटिव बोला, उन्होंने पॉजिटिव बोला, तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव ही रहता है। तो काफी फैक्टर्स तो ये तरह जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं सर कि हमारे जो थॉट्स हैं हमें माइंड मेकअप खुद ही करना है। अगर इस बात से डरते रहेंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैंने तो सोचा था कि नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा, अगर चेंज करना है तो ट्राई किया है तो करके देखते हैं, किस गिल्ट के साथ, किस डर के साथ क्यों करें। अगर नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा, वो भी नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा। तो इसलिए कभी डर के नहीं दिया पेपर, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कुछ और अच्छा होगा या नेक्स्ट टाइम होगा, तो इस थॉट के साथ पेपर दिया था सर। तो कभी इस तरह की सी टेंशन जो होती है या फिर जैसा अभी आपने कहा कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो हुआ ही नहीं। जब मन करता था तब पढ़ाई कर लो, जब नहीं मन किया तो पढ़ाई ऐसे जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं होता। 2 घंटे आप मन लगा के पढ़ रहे हैं या फिर अगर 6 घंटे तक बिना मन के किताब में देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो 2 घंटे ही पढ़ के छोड़ देता था सर। तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में कुछ अचीव करना है तो हमेशा अपने आप को खुश रखो, मोटिवेटेड रखो। सेल्फ स्टीम यदि आपकी हाई होगी तो बहुत सारे जीवन के जो बैटल हैं आप यूं ही जीत जाएंगे। लेकिन आप पहले से मन में हारे हुए, जिसको कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। सर यही कहना चाहूंगा, नॉलेज एक पार्ट है जर्नी का, नॉलेज गेन करना, पढ़ना किताबें। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है। अगर फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ हमारी थोड़ी भी डाउन जाती है तो हमारी जो नॉलेज गेनिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो तीनों पैरेलल चलेंगे तभी एकदम जो सिलेबस है, पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ अपने ब्रेन में बैठेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये एक हिमांशु, आप तो 2018 में ग्रेजुएशन किया आपने? सर 17 में ग्रेजुएशन किया मैंने। 17 में, और 18 में पहला अटेम्प्ट दिया आपने? जी सर। सेकंड अटेम्प्ट आपने अभी 19 का दिया और आप ऑल इंडिया फोर्थ रैंकर हो गए, राइट? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स में 70 मार्क्स आए थे, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, तो बड़ा एक तरह से उसमें बड़ा शौक लगा होगा कि भाई प्री नहीं हो पाया हमारा, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, शौक की बात नहीं थी क्योंकि पता था कि एग्जाम टफ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा बुरा लगा, बट इतना डीमोटिवेटेड या शौक के जितना बुरा नहीं था क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो गलतियां थी वो ठीक करने का मौका मिलेगा आगे, तो आगे पढ़ने के लिए फिर से मोटिवेशन ही हुआ था उसे फेलियर को लेके। तो एक तरीके से लेसन था सर वो। You took it as a failure, as a pillar of success. बहुत अच्छा। Yes, sir. आप हिमांशु, क्या आपको लगता है यदि पहली बार में प्री हो जाता आपका तो क्या फाइनल सिलेक्शन उस बार भी हो सकता था क्या आपका? सर हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन उस साल भी हो जाए क्योंकि जो सारी तैयारी है थ्रू आउट तो चलती ही रहती है, बट जो एंड के डेज में हमारी तैयारी होती है प्रीलिम से 30 दिन पहले, 50 दिन पहले, या मेंस का जो पीरियड होता है उसमें, वो डिसाइड करता है कि आगे रिजल्ट कैसा आना है क्योंकि इस साल भी मेरी कजन सिस्टर है, उनकी शादी थी अप्रैल में, तो पूरा अप्रैल का कुछ नहीं पढ़ा था, बट प्रीलिम्स के लिए जो मई में पढ़ा था, तो जून में पेपर था 2 जून को, तो पेपर हो गया। फिर ऐसे ही जुलाई 12 को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, तो उसके बाद भी 2 ही महीने थे, 2 महीने 8 दिन, तो उसमें जो पढ़ा फिर मेंस में लिख दिया। तो इस तरीके से है सर कि हो सकता है उस बार भी हो जाता, मतलब पढ़ाई आपने एक्चुअली पहले अटेम्प्ट नहीं कर लिया था ठीक से। जी सर। तो आप फिर ब्रशअप करते रहे और आपका हो गया। हो सकता है रैंक में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है। हाँ सर, रैंक में हो सकता है फर्क हो जाता है। हाँ, लेकिन ये कि तैयारी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर अटेम्प्ट का मायने नहीं रखता कि आपका कभी भी वो चांस बन जाता है कि आप क्वालिफाई करें। तैयारी करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक्स्ट्रा सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं कि मार्क्स कहाँ आएंगे या सिलेबस कहाँ से आता है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अपना जो सिलेबस है, अपने जो रिसोर्सेज है, उन पे कॉन्फिडेंस रख के पढ़ते जाओ, यू विल गेट द रिटर्न बाय योरसेल्फ। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी कुछ ऐसी हो गई कि जल्दी ही मिल गया, तो वो जो यही रहस्य जो है, आपसे ऑल इंडिया 4th रैंकर हैं आप, लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपके पास है जो लोगों को शेयर करना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि पहली बार में भी मेरा सिलेक्शन हो जाता यदि प्री क्लियर होता, तो क्या समझे इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सर, सीक्रेट ऑफ सक्सेस मैंने अभी जैसे बताया कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ मतलब नॉलेज गेनिंग के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ का ही सारा सर एक तरह से गेम कह सकते हैं, क्योंकि रिलैक्स माइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है सर। फिर रिलैक्स माइंड के साथ साथ जो भी हम कर रहे हैं उस पे हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, या रिसोर्सेज हैं, क्या मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, या जो हमने पढ़ा है वो हमें ठीक से आया नहीं आया। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्कुल परफेक्ट ना हो, तो उसके अलावा नॉलेज तो गेन करना एक पार्ट है, तो वो हमें कॉन्फिडेंस होना, अपने आप पे फेथ होना, माइंड को रिलैक्स करना, फियरलेस होना, और जो कर रहे हैं वो अपना फुल फोकस से करना, यही सारा सर पूरा पढ़ने का तरीका है। पढ़ाई की स्ट्रैटेजीज तो सबकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट ये जो है ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि सबके साथ होते हैं। स्ट्रेस लेने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, स्ट्रेस लेने से हमारे जो एक्टिव आवर्स हैं वो पैसिव आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सब ना करके अपना फुल फोकस से पढ़ते जाते हैं, अपना कंटेंट करो और मार्क करते जाते हैं। तो वही सर स्ट्रैटेजी थी। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है, बट ये जो है ये कॉमन चीजें हैं सबके पास। सबको अपना यही पढ़ना है, पढ़ने के लिए सिलेबस भी सेम ही है सबके लिए, बुक्स भी ऑल्दो थोड़ी थोड़ी अलग हैं, बट जनरल तो बुक सेम ही है। तो ये जो मेंटल हेल्थ वाली बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आप जो कह रहे हैं वो बड़ा मीनिंगफुल बात कर रहे हैं कि नॉलेज तो एक पार्ट है जो सबको लेना है, लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे फिट कर रहे हैं। जी, क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्जामिनेशन को विद्वान के टेस्ट के लिए तो है नहीं, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जांचा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने आपको तैयार करना है। और ये तैयारी के दौरान में इनक्वालिटी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जो हम पढ़ते हैं सर उससे ही मेरे को लगता है कि ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमें सब कुछ सिखा देती है कि सब चीजें रिपीट होती हैं, सक्सेस फेलियर सब पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हिस्ट्री मेरे को लगता है कि सारा कुछ सिखा देती है, बाकी सब्जेक्ट्स भी कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। तो नॉलेज के साथ साथ जो उनके लेसन हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली आप विजडम क्या डेवलप कर रहे हो, राइट? यस सर। हाँ, एक आपने अभी मेंटल हेल्थ की बात की, ऑफ कोर्स आपने काफी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो स्ट्रेस तो होगा, बट आप कैसे मैनेज करें वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी बात इसके बारे में, मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपने अभ्यास में किया वो जरा बता दें। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 2-3 बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपकी फिजिकल जो हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट है, आप व्हाट यू ईट, बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को पूरा वर्क कर रहा है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन चल रहा है, और उससे जो हमारा स्ट्रेस है या नहीं है वो डिसीजन होता है। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन वी शुड ईट हेल्दी। जंक फूड खाना या फिर मोर ऑफ फ्राइड या ऑयली बटर मोर ऑफ इट, ये सब कुछ जो है हमारे माइंड को मुझे लगता है स्लो कर देते हैं और स्ट्रेसफुल बना देते हैं। तो मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेपरेशन में आई हैव लिव्ड एट होम, तो घर पे तो घर का खाना भी पूरा बटर और इन सब में भी बनता है। तो थ्रू आउट द प्रेपरेशन मैंने एक तो खाना सिंपल प्लेन खाया है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत रोल है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहला तो ईटिंग का रोल है सर। दैट लीड्स टू योर एनर्जी मैनेजमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दूसरा है हमारे पीयर्स क्या हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पीयर्स की मैंने बात की थी। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स उनसे ही आते हैं, तो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है खत्म कर देना चाहिए। वी डोंट नीड पीयर्स इन थ्रू आउट दिस जर्नी, वी नीड ओनली पॉजिटिव पीयर्स, और उनमें भी एक या दो लोग सफिशिएंट हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड थ्रू आउट माई जर्नी ओनली विद वन फ्रेंड। आई नो नो अदर यूपीएससी पर्सन। मेरे को यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी अगर गिनवाने हो तो मैं आई कैन नॉट काउंट मोर देन 2 यूपीएससी एस्पिरेंट्स। वो तो मैं मेडिकल में या फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में कुछ लोगों से मिला, तो तब जाके मेरे मोर देन 1 फ्रेंड बने। अदरवाइज आई नो ओनली 1 पर्सन जो कि यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। अदरवाइज आई नेवर न्यू एनीबडी एल्स। यू हैड अ वेरी लिमिटेड सर्कल, एक पर फ्रेंड का बनाया, राइट? यस सर। उसके अलावा सर हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने पर्सनल थॉट से भी होता है। अब लाइफ है एंड वी आर एट द एज वेयर एवरीथिंग हैपेंस, तो जो पर्सनल अफेयर्स हैं, बीट रिलेशनशिप अफेयर्स या फिर अपने फैमिली इश्यूज हैं रिलेटिव्स के साथ, तो ये सारे इश्यूज वी कैन लेट गो। तो अगर इन्हें लेट गो करेंगे तो या फिर पोस्टपोन करेंगे कि पेपर जब हो जाएगा उसके बाद इन्हें देख लेंगे, तो पेपर होने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे। तो अगर ये सब इश्यूज नहीं रहेंगे तो एकदम काम एनवायरनमेंट रहेगा। एनवायरनमेंट अगर काम रहेगा, फिजिकली और ईट हेल्दी करेंगे हम, खाना अच्छा खाएंगे, नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे, ये सारी चीजें सर स्ट्रेस को मैनेज करने में काम आती हैं। उसके अलावा एक पॉइंट आता है कि अगर पेपर नहीं हुआ तो क्या, तो वो तो सबके साथ ही है, और उसमें हमें ये ढूंढना होता है कि अगर नहीं हुआ तो भी क्या है, कुछ और अच्छा हो जाएगा। ये दिस वाज द लाइन व्हिच केप्ट मी स्ट्रेस फ्री थ्रू आउट, कि अगर ये करने का सोचा है, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो इससे भी अच्छा। सो दैट वाज द सीक्रेट लाइन। दो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के, एक तो है कि इमोशनल बैगेजेस कैरी नहीं करना है, दूसरी चीज है कि एक पॉजिटिव थॉट रहना है कि ये नहीं तो कुछ और भी बेटर होगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा तो क्या होगा। आप सोच रहे कुछ बेटर ही होगा, देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर इन द बास्केट ऑफ गॉड, कहते हैं इसके साथ में, दैट इज ऑलवेज। यस यस, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं। यस यस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।